गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस पे आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज की बात करें तो सेम बातें जम्मू कश्मीर और पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया है इसके बारे में बातें की गई हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो विशेष के अंदर बात की गई है विशेष के अंदर बात की गई है संघ राज्य मतलब यूटी जो बनाया गया है, जो जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बांटा गया है, उसके ऊपर कुछ बातें डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल नंबर 2, 3, 4 से रिलेटेड है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की गई है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है, मैं चाहता हूं इस देश देशांतर के आर्टिकल को आप लोग खुद से देखो, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये अपने यूपीएससी से रिलेटेड है, आईएएस के पे सवाल उठा है और क्या क्या बातें हैं, अब इसको देखोगे तो आप समझोगे ये क्या बातें हो रही हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो है हमारे पास वो विशेष के अंदर है, आर्टिकल नंबर 1। हमारा 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये सारे राज्य का एक संघ होगा, फेडरल होगा, यूनियन ऑफ इंडिया लिखते हैं हम लोग। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो हम राज्य मतलब भारत एक राज्य है, भारत में राज्यों को तो तोड़ा जा सकता है, जैसे अभी लेटेस्ट बात करें तो 2014 में तेलंगाना बना, आपको पता होगा आंध्र प्रदेश से, और इससे पहले भी बहुत सारे डिवीजन होते रहे, लेकिन भारत से कोई अलग होकर के कोई अलग कंट्री वगैरह दिस दैट नहीं कर सकता है। तो हम क्या है, एक फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करें तो यहां पे जो बात की गई है आर्टिकल नंबर 2 के बारे में, अनुच्छेद 2 जो है वो क्या कहता है, संसद मतलब पार्लियामेंट विधि द्वारा निबंधन और शर्तों को पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। मतलब इसमें कोई नया राज्य डालना है या निकालना है ये किया जा सकता है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बनाया गया है। तीसरा आर्टिकल नंबर 3, ये 3 क्या कहता है जरा इसको समझते हैं। संसद विधि द्वारा मतलब कानून द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। दो को एक साथ मिला दिया या दो को एक को अलग कर दिया, इस तरह से किया जा सकता है। अब यहां पर एक और बात बताऊं, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी और किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, मतलब किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत नाम में परिवर्तन 3 के तहत होता है और राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन लेता है, बट वो बाध्य नहीं होता है। संसद ये पार्लियामेंट स्टेट और यूटी को रिऑर्गेनाइज कर सकता है, मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है संविधान और इन सबको। ये जो 2, 3, 4 ये जो आर्टिकल नंबर, एक सेकंड मिटा दूं, आर्टिकल नंबर 2, 3, 4 है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? नहीं, ये सेल्फ कंटेंट कोड कहा जाता है इसको। इस तरह से बातें आगे बढ़ते गई और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय पार्ट ए में बटा, मतलब आजादी के बाद राज्यों की स्थिति जो 26 जनवरी 1950 की थी वो पार्ट ए था। ए में वे राज्य थे जिन्हें ब्रिटिश भारत में पूर्व गवर्नर प्रांत का दर्जा प्राप्त था, गवर्नर प्रांत का दर्जा पहले से प्राप्त था। इसमें असम थे, दूसरा बंगाल था, बिहार था, बॉम्बे था, मध्य प्रदेश एमपी था, उसके बाद उड़ीसा था, पंजाब था और यूपी था, इतने सारे राज्य थे। और पार्ट बी की बात करें तो उस समय 26 जनवरी 1950 के बाद, आजादी के बाद, तो पार्ट बी में पूर्व में शाही रियासतें थी, मतलब जो शाही रियासतें थी, हैदराबाद था, सौराष्ट्र था, मैसूर था, मध्य भारत था और विंध्य प्रदेश था और अपना राजस्थान था, पार्ट ए और पार्ट बी था। अब पार्ट सी भी था, थोड़ा सा ग्लिम्स तो आपको पता होना चाहिए किसी आंसर लिखने के क्रम में, किसी ऐसे लिखने के क्रम में, और अभी न्यूज में चल रहा है तो क्या पता प्रीलिम्स के अंदर भी दिख जाए ऐसी चीजें, क्योंकि है तो पॉलिटिका हीटर। पार्ट सी के अंदर वे राज्य शामिल थे, जो पूर्व में शाही रियासतें थी और कुछ चीफ कमिश्नर द्वारा शासित प्रांत थे। तो ये बातें इसके अंदर कही जाती हैं। इसके बाद समय की मांग उठी और उठते उठते 1953 में राज्यों का पुनर्गठन किया करने की बात हुई, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों को अलग करने की बात हुई।
तो 1956 में पुनर्गठन कानून पारित हुआ और 1956 में लागू भी हो गया। पार्ट ए, बी और सी स्टेट का अंतर यहां पर समाप्त हुआ और 14 राज्य बना और 6 यूटी बने। और इसके बाद धीरे धीरे बात चलती गई, संविधान के भाग में गठन का अधिकार हुआ, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ के राज क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया और संविधान के 1 से 4 फिलहाल 7 केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको पता है कितने स्टेट अब होंगे और कितने बनेंगे, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है अभी 29 स्टेट था, अब एक घट गया 28 हो गया और हमारा यूटी 7 था, अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये करंट से रिलेटेड बातें हुई आपके लिए। और भाषाई आधार पर और विशेष परिस्थितियों में केंद्र शासित प्रदेश, बात यहाँ पे मेनली की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यूटी के बारे में, ये यूटी क्यों और कहीं बनाया जाता है, तो इसकी बात करें तो ज्योग्राफिकली, भौगोलिक, कल्चरली, पॉलिटिकल और जन कल्याण को देखते हुए भौगोलिक कारण से इसका गठन किया जाता है। कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा मेनलैंड भारत से बहुत दूर है, जैसे अंडमान निकोबार, इसको हमने यूटी बना रखा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे होते हैं या अलग राज्य का दर्जा देना इसको मुश्किल होता है। हालांकि दिल्ली को राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं मिला है, लेकिन राज्य का दर्जा तो जरूर है। तो यहाँ पे ये यूटी की बात हुई। सांस्कृतिक कारण से बने केंद्र शासित प्रदेश, जो कल्चर के अनुसार, मतलब कल्चर के अनुसार दमन और द्वीप हमारा और दादर व नगर हवेली, ये सांस्कृतिक कारण से। और पुडुचेरी भी आप कह सकते हो, सांस्कृतिक विविधता दिखती है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर दिल्ली और चंडीगढ़ भी अलग हुआ, ये भी पता है आपको, और हरियाणा भी अलग हुआ। हरियाणा जो अलग हुआ 1966 के आसपास, और यहाँ पर बात हुई इसकी राजधानी कौन सी होगी। हरियाणा भी लड़ रहा था और पांडिचेरी भी लड़ रहा था, तो दोनों लड़ते लड़ते एक ही जगह को बनाता है, चंडीगढ़ को, यहाँ पर आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई और धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसके बाद नागालैंड 1963 में बना, अभी हरियाणा बात की हमने, 1966 में बना, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, ये बना 1987 में, और लास्ट बात करें तो 2000 में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बना और झारखंड बना 2000 में, और अभी लेटेस्ट 2014 में आप जान रहे हो आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, मतलब हैदराबाद ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ये बातें तो आपको पता ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आज के आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बार बार कोर्ट की बात करते हैं, चनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान की ओर ये नदी जाती है और इसी के बारे में कंटेक्स्ट है यहाँ पर। और ये अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू और विलियम इलिट, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक 1960 में ये तीनों मध्यस्थता करके ये ट्रीटी करते हैं। और अभी वही इंडिया पाक जो रिलेशन चल रहा है उसी के बारे में बातें हो रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बात की गई है यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के बारे में। ये इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात ये की जा रही है, इसको मॉडर्नाइज करके आगे कैसे बढ़ाया जाए, इंडिजीनियस करना होगा पूरी तरह से, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम लाना होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ानी होगी। और जो हमारा 2001 में और 2002 में 65,000 करोड़ हुआ करता था वो बढ़ चुका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस इंडियन एयरफोर्स की अगर और बात की जाए तो और क्या क्या हो सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्लान लाना होगा, पर्सपेक्टिव प्लान इंडियन एयरक्राफ्ट को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करना होगा। दूसरा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को इन्हांस करना होगा, टाइम लाइन नीड करना होगा, और जैसे तेजस की नीड अभी है तो 2 साल बाद 5 साल बाद क्यों, अभी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। थर्ड, एक्चुअल मैन्युफैक्चर जो है सो हमारे यहाँ होना चाहिए। वी नीड टू एक्टिवेट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, विंग्स बनाना हो, चाहे एरो स्पेस बनाना हो, चाहे इंजन बनाना हो, जो भी चीज हो, नेशनल एरोनॉटिक्स मैकेनिज्म की एक जरूरत है, एक नेशनल एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है। मतलब नेशनली आप अगर स्ट्रांग होना चाहते हो तो आपको इन पर काम करना होगा। सिक्योरिटी को अगर इनहांस करना चाहते हो तो कहीं पर आप इसको यूज कर सकते हो सिक्योरिटी कंसर्निंग सब्जेक्ट में। तो आज के न्यूज में नहीं था। थैंक यू।